हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। में सारा निचोड़ मौजूद है। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुखालफीन हम पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांके। अवाम के जहनों में माजी के हुक्मरानों की लूट मार की दास्तानें अब भी ताजा हैं। ये जज साहबान से भरे कल उनका गुस्सा अल्फाज में आ गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बोगस तारीख का स्याबाब बनेगी। दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नवाज शरीफ की जजेस पर सख्त तनकीद। कहा, जजेस बोगस से भरे हुए हैं। इल्म था कि नजर सानी अपील पर यही फैसला आएगा। यह फैसला तारीख का स्याबाब साबित होगा। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत गैर रस्मी मुशावरती इजलास, मौजूदा सूरत हाल और आइंदा समाज पर मुशावरत। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस यकजा करने से साफ इनकार। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आजम को कटहरे में बुलाकर अलग अलग फर्दे जुर्म आयद। सदर नून लीग का सेहत जुर्म से इनकार। रेफरेंसेस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। कैलिब्री फंड के मामले पर नैब रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जालसाजी की दफा हटाने का हुक्म। पानामा केस में सवाल मनी ट्रेल का था। जहांगीर तरीन नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत के पास सवाल ये है कि पैसा कहां से आया। पानामा केस में भी सवाल यही था। फैसला पहले से सोच कर नहीं रखा। जितनी जल्दी गुजारिशात आएंगी तो फैसला लिखने में आसानी होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत कल तक मुलतवी। इसहाक डार कम अज कम एक बार खुद अदालत में पेश हों। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इसहाक डार की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। इसहाक डार के वकील ने बताया कि डॉक्टर ने उनके मुवक्किल को सफर की इजाजत नहीं दी। नई हल्का बंदियों पर पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में डेडलॉक पर करार। अयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी साथ ना दे तो सेनेट से आइन में तरमीम का बिल पास नहीं हो सकता। इजलास में शेख रशीद और महमूद खान अचकजई में तल्ख कलामी। इजलास के बाद अयाज सादिक की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। आईन के साथ ज्यादा खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट ने किया। जावेद हाशमी की तनकीद। यह भी कहा कि इमरान खान के बचने का इम्कान भी नजर नहीं आ रहा। नून लीग के बंदे पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफुजात भी दूर होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम का मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी का मौकिफ। जामशोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी इंडस हाईवे के करीब 5 बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर नाकारा बना दिया। न्यू एमएजना रोड कराची में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैक डाउन। शोरूम्स के बाहर खड़ी गाड़ियां उठा ली गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनूबी कोरिया के बाद दौरे पर चीन पहुंच गए। तजारती मामलात और शुमाली कोरिया से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन की नाकाबंदी के बाइस इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। यमन में खुराक और तेल का शदीद बहरान। हर 10 मिनट बाद एक बच्चे की मौत। इमदाद के लिए रास्ते खोले जाएं। अक्वामे मुत्तहिदा का मुतालिबा।